नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। पिछले साल यानी 2019 10 दिसंबर को CAA पे मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पर आज मैं CAA पे बात नहीं करूंगा, पर कुछ हद तक जानकारियां दे देता हूं। 10 दिसंबर को CAA पर मचा बवाल दिल्ली से पूरे देश में फैला। केरल, तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने जिलों का नाम लूँ वो कम पड़ेगा। उस बीच में एक और खबर आ रही है, उस खबर का खुलासा करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पत्थरबाजों पर जुर्माना लगाया। जुर्माना इतना बड़ा था कि 1-1.5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा पत्थरबाजों को। ठीक, ये बात सही थी कि उन्होंने जुर्माना लगाया, क्योंकि जुर्माना लगाने से कुछ हिंसक प्रदर्शन कम हो सकते हैं। परंतु आज मैं हिंसक प्रदर्शन का कोई खुलासा करने नहीं आया हूँ। जो बात कहने आया हूँ वो आपके सामने स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रहा है, वो स्क्रीनशॉट है 112 का। ये 112 मतलब 112 नंबर पुलिस का नंबर होता है। कल हुआ ये था कि दारू पी के दो बच्चे गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चलाने के बाद एक व्यक्ति ने उसको रोका तो उन्होंने जाति सूचक मतलब गालियों का इस्तेमाल किया। गालियों के इस्तेमाल के बाद वो आदमी ने 112 नंबर डायल किया, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 19 सेकेंड तक लगातार 3 बार उसने नंबर डायल किया, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद वो आदमी को वहाँ के स्थानीय लोगों ने छुड़ाया, उसके बाद उसको जाने दिया। हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर उस आदमी ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है। दूसरी बात, कजकपुरा में जहाँ ये बवाल हुआ वहाँ पे 3 किलोमीटर के दायरे में 2 स्टेशन आते हैं। एक कजकपुरा खुद थाना आता है, अगर 2 किलोमीटर की बात करूँ तो अहमदपुर चौकी भी आती है, परंतु कोई पुलिस की आवागमन नहीं दिखी। ये बहुत बड़ा सवाल है बनारस में, जहाँ पे लगातार अपराधों की संख्या बढ़ती दिखाई देती है, वहाँ पे बनारसी पुलिस इतनी बेखौफ है, अपराधियों पर शिकंजा नहीं कस पा रही। सोचिएगा कोई वारदात हो जाती या कोई ऐसी घटना हो जाती तो क्या बनारसी पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस सिर्फ जवाबदेही की होती या फिर अपराधियों को पकड़ के सिर्फ उनको सजा देती? उससे क्या वो व्यक्ति की मौत या फिर कुछ और चीज वापस लौटा सकती थी पुलिस? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार 19 सेकेंड तक 3 बार कॉल करने के बाद भी जब बनारसी पुलिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हम आम आदमी कैसे अपनी इच्छा से कहीं जा सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल और है। सवाल ये है कि क्या अगर 112 नंबर डायल करने के बावजूद भी पुलिस से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जवाबदेही किसकी होगी? स्थानीय प्रशासन की, तहसील की, कचहरी की, या फिर कोर्ट की, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की? क्योंकि पिछले 1 महीने में लगातार पत्थरबाजों पर जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा है, ठीक वैसे ही अगर 112 नंबर पर पुलिस वालों पर शिकंजा कसती तो कल एक वारदात होते होते बच जाती। फिर दूसरा सवाल उठता है, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं? क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले इतने बेखौफ हो गए हैं पुलिस से कि वो किसी को भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके धमका डरा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम 112 के नंबर पर रिसर्च कर रहे थे, उस समय भी हमें ये बात पता चली कि हम जब कॉल कर रहे थे यानी टोल फ्री नंबर 112 पे हम जब कॉल कर रहे थे तभी भी हमारे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमारे स्क्रीन पे आपको आप देख सकते हैं। आगे भी जुड़े रहिए अपडेट से, हम आपके सामने लगातार हाजिर रहेंगे। तब तक देखते रहिए जेड न्यूज़। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।